Yes, dear students, now we are going to start our next new unit. Very interesting unit, different things are there. Carbon and its compounds, ठीक है? बच्चों इस पार्ट में सबसे पहले I am going to tell you about the introduction. Carbon. Carbon जो element है बच्चों, इसका symbol, इसको हम कहते हैं carbon. इसका symbol होता है C. अगर हम इसके atomic number की बात करें, it is 6. इसके atomic mass की बात करें, it is 12. अगर कोई आपसे पूछे दीज आर द थिंग्स विच इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंट कार्बन होती है, इट इज 0.02%. परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एयर, एयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज कितना होता है, 0.03%. कभी कभी हमसे ये पूछते हैं कि जो कार्बन नाम है ये आया कहाँ से, कहाँ से, किसने ये कार्बन नाम दिया. सो द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कार्बो. एक लेटिन वर्ड से आया बच्चों कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोयला यानी कोल. तो कोई अगर आपसे पूछे कि कार्बन वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल. अब बच्चों ये कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, सारे प्लांट्स में, सारे एनिमल्स में, या हम लोगों में, या लिविंग बींग्स में भी पाया जाता है. किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, विटामिन्स के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में. ये सारी चीज़ें बच्चों कार्बन हमारे लिविंग बींग्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में पाया जाता है. तो इसको इंट्रोडक्शन को नोट कर लीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए बच्चों इस टॉपिक में हम ये देखते हैं, कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो बच्चों इस कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये आप पढ़ चुके हैं. और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 4, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम ये लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस सेल ऑफ कार्बन. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस सेल ऑफ कार्बन. वैलेंस शेल का मतलब होता है बच्चों बाहर वाला शेल. तो हमेशा एक चीज़ क्लियर करिए प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले, कि जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इस 2, 4 इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, इतना याद रखिए. अब पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कार्बन एटम जो होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी कि कार्बन एलिमेंट या एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ अदर एलिमेंट्स, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, एक एच यहाँ बना लिया, एक एच यहाँ बना लिया, एक एच यहाँ बना लिया, एक एच यहाँ बना लिया. तो देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, 1, 2, 3, 4. तो एक जो कार्बन होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. यही कारण है बच्चों कि कार्बन को हम के नेचर को हम टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं, है ना. और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है. क्यों भाई, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. सॉरी, कैसे, वो मैंने आपको लिखकर बताया है. यही कारण है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, सॉरी, इट्स वैलेंसी विल बी 4. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कभी कभी हमारे पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन, कि आप कैटिनेशन से क्या समझते हैं. तो हम लिखते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग समझते हो, आपस में, जैसे एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ गया, कार्बन फिर अपने ही कार्बन से जुड़ गया, फिर कार्बन फिर अपने ही जैसे कार्बन से जुड़ गया. एक जैसे एलिमेंट की अपने समान एलिमेंट से जुड़कर एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कैटिनेशन कहते हैं. तो अगर आपके पेपर में कभी कभी अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन, तो हम लिखते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. कैसी चेन बनाना,
लंबी चेन, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी चार होती है, चार होती है, तो ये हो गई चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, फिर से कार्बन से जुड़ गया, दो और दो चार, फिर से कार्बन से जुड़ गया, दो और दो चार, फिर से कार्बन से जुड़ गया, दो और दो चार। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, दूसरे तीसरे से जुड़ गया, तीसरा चौथे से जुड़ गया, इस तरह से ये चेन चलती चली जाती है। तो कार्बन के पास ये क्षमता होती है कि वो एक कार्बन वाला भी अलग कंपाउंड बना सकता है, दो वाला भी, तीन वाला भी, चार वाला भी। तो जुड़ा तो लेकिन कार्बन कार्बन से ही है, फिर ये कार्बन कार्बन से ही है। तो किसी एलिमेंट की अपने जैसे एलिमेंट से जुड़कर एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो पेपर में दिया आपकी प्रॉपर्टी पूछा जाए कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट वन इज कार्बन फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, क्योंकि उसके वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर सेकंड प्रॉपर्टी, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, इट्स वैलेंसी विल बी फोर। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, इट मीन्स द टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो अगर कभी कभी हमारे पेपर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर एग्जाम्पल पूछे तो इस तरह से आप बनाकर बता दीजिए। चार चार बॉन्ड क्यों बनाया है, हर कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमें अगला देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपर इन नेचर, कि जो कार्बन है ये हमारे नेचर में किस किस फॉर्म में पाया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन नेचर, नेचर में बच्चों ये दो स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में पाया जाता है और एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो आपसे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फ्री स्टेट में ये कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, डायमंड, ग्रेफाइट और एक और स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, बकमिंस्टर फ्लोरेन, है ना, बी यू सी के एम आई एन एस टी आर, बकमिंस्टर फ्लोरेन। तो इन फ्री स्टेट कार्बन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेन। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कंबाइंड स्टेट में किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट में बच्चों इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CO2, सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, मार्बल आप जानते हैं, चौक, इन तीन के फॉर्म में पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, कोल कोयला है, पेट्रोलियम है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है जो जलाने के काम में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में या लिविंग बींग्स में, हम लोगों में किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन्स के फॉर्म में मिल सकता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे लकड़ी है, कॉटन है, ऊन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि फ्री स्टेट में किन किन फॉर्म में मिलता है, तीन फॉर्म में, और कंबाइंड स्टेट में ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो अक्सर पेपर में आता है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स, हम एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, व्हाट आर एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी, कभी कभी ये एलोट्रॉपी के फॉर्म में भी आता है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी, गिव एग्जांपल, एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं या एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, गिव्स एग्जांपल। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस, सुनिएगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यू कैन राइट इन योर कॉपी बच्चों, यू कैन राइट इन योर कॉपी आंसर, दो सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम, विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड
उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुत ईजी है बच्चों, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, कभी अगर आपसे एलोट्रॉप्स पूछे तो यहीं तक लिख दो, अगर एलोट्रॉपी पूछे तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉपी कहते हैं, है ना। डेफिनेशन को एक बार फिर से अच्छे से देखिए बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का बच्चों मतलब ये होता है जो एक जैसे सब्सटेंस से मिलकर बने होंगे, सेम बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिखते अलग अलग हैं, उनका काम अलग अलग होता है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एलोट्रॉपी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देकर बताऊं बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा बच्चों। हम ये कह सकते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, वैसे तो तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरिन, लेकिन मैं एग्जांपल में आपको दो ही बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी कैन से डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। कोई अगर हमसे पूछे तो हम एग्जांपल के द्वारा समझा सकते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के बच्चों दो एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से भाई, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। भाई कोई हमसे पूछे भाई क्यों ये दोनों एलोट्रॉप्स क्यों हैं, तो चलिए इसको समझते हैं हम। एक तरफ हमने लिख दिया बच्चों डायमंड और दूसरी तरफ हमने लिख दिया ग्रेफाइट, एक तरफ डायमंड दूसरी तरफ ग्रेफाइट। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉप्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए लिखा है सब्सटेंसेज विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ये हैं, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है ये कार्बन से बना है, इट इज मेड ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट का क्या है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन, इट इज मेड ऑफ कार्बन ओनली। ये दोनों सिर्फ कार्बन से बने, तो ये बताइए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है। भाई अगर चार लड़के खड़े हैं तो चारों लड़कों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सारे ही कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन से बने होंगे, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, फंक्शन अलग अलग होगा, कलर अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग होगी, चेहरे का बनावट अलग अलग होगी। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स क्यों हैं, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे, डायमंड भी कार्बन से बना है और आपका जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन से बना है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे है वो देखते हैं हम। चलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की भाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप डायमंड में जाएंगे तो डायमंड में हम कह सकते हैं इट इज़ हार्ड, पहली प्रॉपर्टी अलग हो गई ना, इट इज़ हार्ड। यहाँ देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट है बताइए, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, सेलों में बीच में होता है, इट इज़ ओपेक, इससे आर पार दिखाई नहीं देता। देखिए ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, इट इज़ ओपेक। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्या है, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड हम कह सकते हैं इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिए, देखिए मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लिखा हर जगह है, केवल समझ में आना चाहिए। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लीजिए। ग्रेफाइट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी गिव एग्जांपल, तो आप ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी।
एग्जाम्पल हमने आपको बताया डायमंड और ग्रेफाइट का, कैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉड्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। वो कैसे, डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अ एक्सटर्नल अपियरेंस। जैसे ये हार्ड है वो सॉफ्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट है वो ओपेक होता है, दिखाई नहीं देता। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी एलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है, हाउ मैनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर देयर, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। तो वी शुड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बच्चों 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, नंबर वन चलिए बताइए, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने आपको। नंबर वन डायमंड, पहला जो एलोट्रॉप्स होता है जिसका मतलब है डायमंड। दूसरा जो एलोट्रॉप्स होता है, चलिए सबको मालूम है, इट इज़ ग्रेफाइट। और तीसरा जो एलोट्रॉप्स होता है बच्चों वो है बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फ्लोरीन, FULERENE। मैंने तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी। तो बच्चों इनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, डायमंड पर भी, ग्रेफाइट पर भी और बकमिंस्टर फ्लोरीन पर भी। तो वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर एंड रीजनिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। चलिए बच्चों हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करते हैं। डायमंड के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बच्चों जब हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड होता क्या है। तो डायमंड इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, है ना, कलरलेस होता है, सफ़ेद होता है इसको हम कह सकते हैं, एंड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, और उसके अंदर चमक होती है। अगर बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, वैसे तो बहुत बृहद स्ट्रक्चर होता है लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर की बात बताऊँ। डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, एक कार्बन बीच में लिख दीजिए, एक कार्बन यहाँ लिख दीजिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। बहुत ध्यान से देखिए, है ना, और इस पूरे का, और इस पूरे का होल एंड कर दीजिए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगर मान लीजिए कभी कोई आपसे पूछे कि भाई डायमंड का स्ट्रक्चर बताओ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सीधे सीधे एक कार्बन सेंटर में लिखिए और चार कार्बन इसके अगल बगल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा डायमंड का स्ट्रक्चर। ये कार्बन, ये भी चार से जुड़ेगा, एक दो तीन से जुड़ा, एक और जुड़, ये मतलब हर कार्बन चार चार से जुड़ता जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब बच्चों स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल, सेंटर बीच में, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अब बच्चों मुझे आप ये बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए सारे के सारे बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2-4। ये 2-4 क्या हो गया इसका, हम ये कह सकते हैं ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया कार्बन का, 2-5-4। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, इस मतलब देखिए जो कंडीशन एक कार्बन की होगी वही सारे की होगी। ये भी चार से जुड़ेगा, ये भी चार से जुड़ेगा, ये भी चार से जुड़ेगा और ये चेन चलती जाएगी। चलिए हम एक कार्बन को लेते हैं, हम इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये मैंने स्टार बना दिया, हम इस कार्बन की बात करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लिया, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लिया, चौथे इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लिया। तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट। तो कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या आता है हमारे पेपर में, व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों होता है,
तो जैसा कि आपने देखा कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद देयर सराउंडिंग 4 कार्बन एटम्स। कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने अगल बगल वाले चार कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इन डायमंड, डायमंड के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी आंसर है, इन डायमंड द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स, फोर वैलेंस मतलब बाहर वाले, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम, किसके इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम आर इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व शामिल होते हैं, आर इन्वॉल्व इन फोर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस। देखो फोर कैसे, 1, 2, 3, 4 फोर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विथ देयर सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स, विथ देयर सराउंडिंग मतलब अगल बगल वाले, विथ देयर सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देयरफॉर डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों देखिए स्ट्रक्चर में बना छोड़ दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे भाई डायमंड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने अगल बगल वाले कार्बन एटम से चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद देयर सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, क्योंकि देखो एक इससे बना लेगा, एक इससे, 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 अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा सर ये क्या करेगा, इसके भी चार होंगे, ये भी चारों से बना लेगा, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई वी कैन से डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, पॉज करिए और नोट करिए। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पर ही कभी कभी एक अलग क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन होता है कि व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस, ये इसी पर बेस्ड आता है कि व्हाई डायमंड इज हार्ड, डायमंड कठोर क्यों होता है एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। कटिंग ग्लासेस, और हम इसका इस्तेमाल कांच काटने में क्यों करते हैं, तो बच्चों इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड के अंदर बच्चों जो एक कार्बन होता है वो अपने अगल बगल वाले चार कार्बन के साथ चार स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी चार बनाएगा, ये भी चार बनाएगा, ये भी, ये इनफाइनाइट है, तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम आर अटैच विद देयर सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था इक्वल डोनेशन एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर डायमंड इज हार्ड एंड यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। तो इसका आंसर यदि आपको लिखना हो तो देखिए मैं लिख रहा हूं, नोट करिएगा, स्ट्रक्चर मैंने बना बनाया छोड़ा है कि इन डायमंड, डायमंड के अंदर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं, इज अटैच्ड विथ सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स, अगल बगल वाले चार कार्बन एटम्स से सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स बाई फोर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, एटम्स बाई फोर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं,
यही कारण है, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर डायमंड इज हार्ड, डायमंड जो है हार्ड होता है, एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। देखिए मैंने इसको स्ट्रक्चर को हटाया नहीं है ताकि आपको पता चलते रहे कि डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो अपने अगल बगल वाले चार कार्बन से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। सो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद सराउंडिंग फोर कार्बन एटम्स बाय फोर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, फोर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। देयरफॉर डायमंड इज हार्ड एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बच्चों ये डायमंड पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट विल हैपन व्हेन डायमंड इज बर्नड इन एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, क्या होगा यदि आप डायमंड को एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं। व्हेन डायमंड इज बर्नड इन एयर या ब्रैकेट में ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन में जलाएं तो क्या होगा, ठीक है। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा गया है व्हेन डायमंड इज बर्नड इन एयर या ऑक्सीजन, एक ही चीज़ है, हाउ विल यू शो दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। यही क्वेश्चन कभी कभी पेपर में ये पूछा आता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो डायमंड है वो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा कि व्हेन डायमंड इज बर्नड इन एयर, अगर हम इसको एयर या ऑक्सीजन में जलाएं, देन ओनली CO2 गैस इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। आपको डायमंड को वैसे तो हार्ड है, बहुत हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है इसका, लेकिन यदि आप किसी भी तरह इसको जला दें तो ये पूरे की पूरी जो इसके अंदर कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो व्हाट हैपेंस व्हेन डायमंड इज बर्न, सो व्हेन डायमंड इज बर्न इन एयर और ऑक्सीजन देन ओनली CO2 गैस इज फॉर्म और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये अगर ये क्वेश्चन आए हाउ विल यू शो दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, तो भी बच्चों उसका आंसर यही होगा कि जलने पर CO2 गैस निकलती है जो रिलीज हो जाती है और हमें कुछ भी बचता नहीं है। तो बच्चों दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में थे। अगले सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेन एंड देयर रीजनिंग क्वेश्चंस। बच्चों शॉर्ट में आपको ये यूजेस ऑफ डायमंड भी मालूम होने चाहिए कि डायमंड के कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो सिंपल है, इट इज़ यूज फॉर कटिंग ग्लासेस, क्योंकि मैंने बताया था कि डायमंड हार्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, पत्थरों में जो छेद होता है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं इसकी हार्डनेस के कारण। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हीरे जवाहरात बनाने के लिए, जेवर बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम होता है कैराटोम। ये आँख वाले सर्जन यूज़ करते हैं, आई सर्जन जो लोग आँख का ऑपरेशन करते हैं, उस इक्विपमेंट का नाम होता है कैराटोम, KERATOME। शार्प एज्ड डायमंड नाइफ, चाकू होता है जिसके एंड में डायमंड लगा होता है। क्यों यूज़ करते हैं, टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई। एक बीमारी होती है कैटरेक्ट, आँख के अंदर छोटे छोटे कण आ जाते हैं, तो शार्प एज्ड डायमंड नाइफ कैराटोम उसका नाम है, इज़ यूज बाई आई सर्जन्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम द आई। बीमारी का नाम होता है कैटरेक्ट। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है क्या हम डायमंड को आर्टिफिशियल स्तर पर बना सकते हैं क्या, तो वी कैन से दैट डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली। डायमंड को हम आर्टिफिशियल स्तर से ही बना सकते हैं, कैसे, बाई कंप्रेसिंग प्योर कार्बन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम बच्चों प्योर कार्बन लें और उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उसको सब्जेक्ट करवाएँ तो हम डायमंड को बना सकते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs।